हे गाइस व्हाट्स अप, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल पे आपको एक वीडियो बना के दी थी जिसमें मैंने बताया था कि पीसी से आप गेम्स की लाइव स्ट्रीम कैसे कर सकते हो यूट्यूब के ऊपर और कैसे आप घर बैठे बैठे मंथली अर्न कर सकते हो। उसी वीडियो में मैंने आपसे ये भी पूछा था कि अगर आप चाहते हो कि मैं मोबाइल वाला ट्यूटोरियल बनाऊँ कि मोबाइल से कैसे ये वीडियो मतलब लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, तो भाई बहुत लोगों ने जो है कमेंट सेक्शन में बोला कि अनमोल भाई हमें चाहिए वो वीडियो। तो इसलिए आज की इस वीडियो में ना मैं अपने इस मोबाइल फ़ोन से आपको यूट्यूब पे गेम्स की लाइव स्ट्रीमिंग करना सिखाऊंगा। सिर्फ और सिर्फ इस फ़ोन का यूज़ करेंगे, इसके अलावा कोई और डिवाइस हमें नहीं चाहिए, ना कोई कैप्चर कार्ड चाहिए, ना कोई पीसी चाहिए, ना लैपटॉप चाहिए। सिर्फ इस फ़ोन की मदद से आप लाइव स्ट्रीमिंग कर पाओगे। तो देर किस बात की भाई, फटाफट से वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब आप में से काफ़ी लोग ये सोचेंगे कि यार कि पीसी में से ना एक प्रोफेशनल लाइव स्ट्रीम हो सकती है बट मोबाइल से नहीं हो पाएगी, बट ऐसा नहीं है भाई। मोबाइल से भी आप प्रॉपर प्रोफेशनल लाइव स्ट्रीम कर सकते हो, विद फेस कैम कर सकते हो, एनिमेशन होगी, चैट्स होगी, सब कुछ आएगी भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पबजी करनी मतलब BGMI करनी हो, कॉल ऑफ ड्यूटी करनी हो मोबाइल, और फ्री फायर करनी हो, कुछ भी करना हो, आराम से हो जाएगी लाइव स्ट्रीमिंग। सबसे पहले तो आपको भाई प्रिज्म लाइव स्टूडियो करके एक ऐप है वो आपको स्टोर से डाउनलोड कर लेनी है, या मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। एप्पल एंड्रॉइड दोनों के लिए है ये। डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप इसे ओपन करोगे ना, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा लॉग इन करने का, या तो आप फेसबुक से कर लो, गूगल से कर लो, ट्विच से कर लो, या सीधा एप्पल आईडी से भी कर सकते हो। तो मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन होने के बाद ये कैमरा की एक्सेस मांग रहा है तो इसको कर देते हैं, माइक्रोफोन की एक्सेस मांग रहा है ये भी कर देते हैं, और फोटोज की भी कर देते हैं। मतलब तीन चार जो भी एक्सेस है भाई सब ग्रांट कर दो, क्योंकि लाइव स्ट्रीमिंग के लिए तो ऑब्वियसली बात है चाहिए होगी ये सब। ऐप खुलने के बाद कुछ इस तरह की लगेगी, आपको यहाँ पर रेडी का बटन देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले तो बता दूं ये ऐप भाई बिल्कुल फ्री है, इसमें आपको कोई पैसे नहीं देने, और साथ ही साथ वॉटरमार्क भी नहीं आएगा वीडियो में आपकी। लाइव स्ट्रीम करने के लिए सबसे पहले आपको इस रेडी के बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर सेट डेस्टिनेशन आ जाएगा, किस प्लेटफॉर्म पे करना चाहते हो वो आप चूज कर लो, जैसे हमें यूट्यूब पे करना है। अब यहाँ पर ना आपको कनेक्ट यूट्यूब मतलब अपनी आईडी को लॉगिन करना पड़ेगा। काफ़ी वैसे तो ये ऑप्शन भी बहुत सेफ है, बट काफ़ी लोगों को लगता है फिर भी कि अपनी हम लॉगिन आईडी पासवर्ड किसी ऐप में या प्लेटफॉर्म पे क्यों डालें। तो उसका भी एक सोल्यूशन है कि आप बिना आईडी पासवर्ड के भी लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। कैसे कर सकते हो वो एंड में बताऊंगा, बट अभी नॉर्मल कनेक्ट यूट्यूब करते हैं, बिल्कुल सेफ है, मैं भी अपना कर रहा हूं भाई, तो देख लो। करने के बाद चैनल का मेरा नाम आ चुका है AJ Gaming। अब लाइव स्ट्रीम पब्लिक रखनी है, अनलिस्टेड रखनी है, या प्राइवेट रखनी है, तो मैं तो ऑब्वियसली बात अभी करूंगा नहीं लाइव स्ट्रीम, इसलिए अनलिस्टेड पर क्लिक करके ओके दबा दूंगा। अब यहाँ पर आपका देखो आ गया है टाइटल डालने के लिए, तो लिख देते हैं भाई टेस्ट लाइव, यहाँ पे डन कर देते हैं, टाइटल हमारा डल चुका है। लेकिन लाइव जाने से पहले ना आपको तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर आप ऐसे लाइव स्ट्रीम करोगे ना तो वॉटरमार्क आएगा, उसको हटाने का तरीका मैं बता देता हूँ, फ्री है वो बिल्कुल। दूसरा भाई प्रोफेशनल लाइव स्ट्रीम नहीं लगेगी। तीसरा आपकी क्वालिटी बहुत लो आएगी। तो तीनों चीज़ों का सोल्यूशन फटाफट से देता हूँ मैं। सबसे पहले तो आपको इस वाले आइकन पर क्लिक करना है, यहाँ पर आप जाते ही देखोगे सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा। सेटिंग्स में जैसे ही नीचे आओगे ना ये लिखा है कंसील वॉटरमार्क, तो ये पहले ऑन होगा, लेकिन अब जो है ना अगर आप इसको बंद कर दोगे तो आपका कोई भी वॉटरमार्क नहीं आएगा। सेकंड चीज है आपके चैनल के नीचे ये 720p लिखा हुआ है ना, यहाँ पर आपको जाना है, और जो एडेप्टिव बिट रेट है ना इसको कर देना सबसे पहले तो ऑफ, क्वालिटी के लिए है ये। सेकंड है रेजोल्यूशन, इसको करना है 1080p में। तीसरी चीज है बिट रेट। तो बिट रेट क्या होता है भाई, जितना कम बिट रेट होगा ना आपका मोबाइल डेटा उतना ही कम यूज होगा, बट आपकी जो स्ट्रीम की क्वालिटी है ना वो बहुत लो आएगी। हालांकि बिल्कुल स्मूथ चलेगी स्ट्रीम, लैग नहीं होगा, बट लो क्वालिटी फायदा क्या, ये उनके लिए है जैसे जिनके पास मोबाइल डेटा है दिन का 1GB 1.5GB, तो वो ये यूज़ कर सकते हैं, या 2000 kbps भी। बट 6000 जो kbps है ना इसमें आपकी ना एक घंटे की लाइफ स्ट्रीम में कम से कम 3-4 GB डेटा यूज़ होगा। तो ये उनके लिए है भाई जिनके घर में वाईफाई लगा हुआ है और डिवाइस भी बहुत तगड़ा है, जैसे मेरा आईफोन हो गया या ROG है या OnePlus है, तो उनके लिए ये सही रहेगा, क्योंकि लैग नहीं होगी बिल्कुल भी अगर आपके पास डिवाइस अच्छा है, प्लस क्वालिटी स्ट्रीम की बहुत तगड़ी आएगी। बट अभी के लिए जो बेस्ट पोर्ट है ना वो है 4000 kbps का, इसमें डेटा भी ठीक ठीक लगता है और क्वालिटी भी अच्छी आएगी। तो ये सेलेक्ट कर लेते हैं 4000। इसके बाद भाई फ्रेम रेट ज़्यादातर लोग 60fps रेकमेंड करते हैं, बट उसमें वही है फिर थोड़ा डिवाइस अच्छा चाहिए, तो मैं अभी फिलहाल के लिए 30 पे ही कर दूंगा। इसके बाद करना है हमें ओके पर क्लिक। अब इसके बाद ना आप अपनी लाइव स्ट्रीम को प्रोफेशनल बनाने के लिए ना एक इंट्रो भी डाल सकते हो, एनिमेशन भी डाल सकते हो, बहुत चीज़ें कर सकते हो। उसके लिए करना है आपको राइट स्वाइप करना है। अब यहाँ पर आपको देखो बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, जैसे कि मीडिया में मतलब आप अपना इंट्रो डाल सकते हो। तो मैंने तो अभी बना नहीं रखा कोई, अगर आपने बना रखा होगा तो गैलरी में सेव रखना उसको, यहाँ से फिर मीडिया पर क्लिक करके वीडियो एंड फोटो या फिर म्यूजिक जो भी डालना चाहते हो वो डल जाएगा। सेकंड है टेक्स्ट, अगर आप कुछ टेक्स्ट डालना चाहते हो, जैसे कि सोशल कैप्शंस, एलिमेंट्स, बहुत चीज़ें हैं, मतलब यहाँ पर
पर आप ट्राई कर सकते हो अलग अलग एनिमेशन, ये देखो सोल्ड आउट OMG, तो इससे आपकी जो लाइव स्ट्रीम है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगी और थोड़ी प्रोफेशनल भी लगेगी। नेक्स्ट चीज है विजेट, तो विजेट में जाते ही ना आपके पास प्रिज्म चैट विजेट आ जाएगा, मतलब अगर आप गेम खेल रहे हो लाइव कर रहे हो तो आपकी स्क्रीन पे ही चैट आपको दिखती रहेगी, अलग से कोई फोन या फिर मॉनिटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से अभी इसको फिलहाल तो कैंसिल करते हैं। लाइव जाने से पहले अपना इसका टाइटल वाइटल सब रख लेना, यहाँ से अपना थंबनेल आप अपलोड कर सकते हो, यूट्यूब थंबनेल या फिर इंट्रो भी सेट कर सकते हो, तो मैंने अभी दोनों चीजें नहीं बना रखी इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। लाइव जाने से पहले ना अपने फोन को लैंडस्केप मोड में कर लेना, क्योंकि भाई ऑब्वियसली बात है गेम खेलोगे तो लैंडस्केप में ही खेलना है ना। इसके बाद यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर देख लो आपको लिखा भी मिल जाएगा स्टार्टिंग इन लैंडस्केप मोड। अब लाइव स्ट्रीम शुरू करने के लिए सिंपल हमें इस पे क्लिक करना है, इसके बाद देख लो आपको लिखा भी मिल जाएगा स्टार्टिंग इन लैंडस्केप मोड, और आपको ना टोटल 3 सेकंड मिलेंगे अपनी गेम को ऑन करने के लिए। जैसे कि देख सकते हो 3, 2, 1, तो मैंने यहाँ पर BGMI जो है वो चला रखी है ऑलरेडी, तो यहाँ पर अब गेम जो है अपनी ऑन हो चुकी है और साथ ही साथ भाई लाइव स्ट्रीम भी स्टार्ट हो चुकी है पीछे बैकग्राउंड में। अब ये तो हो गई अपने अकाउंट को लॉगिन करके लाइव स्ट्रीम करने के बाद, अब मैं आपको बता रहा था ना जिनको अपना अकाउंट लॉगिन नहीं करना उनके लिए क्या ऑप्शन है। इसके लिए आपको क्या करना है, जब आप YouTube सेलेक्ट करते हो ना तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल रहे थे ना, YouTube एक तो कनेक्ट करने का और एक YouTube कस्टम RTMP, तो इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना स्ट्रीम का नेम लिख देना, स्ट्रीम URL डालना है और स्ट्रीम का की डालना है। ये दोनों चीज़ें कहाँ मिलेगी वो आप लास्ट वाली वीडियो चेकआउट कर लेना, उसमें मैंने बताया हुआ, या गूगल करोगे तब भी मिल जाएगा। तो बस ये दो चीज़ें इसमें डालोगे तब भी आप लाइव स्ट्रीम कर पाओगे। तो ये पूरा ट्यूटोरियल था लाइव स्ट्रीम करने का अपने फ़ोन की मदद से। अब आप डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, या डायरेक्ट प्ले स्टोर ऐप स्टोर से भी कर सकते हो आप। बाकी कैसी लगी वीडियो बताना कमेंट सेक्शन में, और लाइक कर दो भाई, नए हो चैनल पर, गेमिंग से रिलेटेड कॉन्टेंट देखने का शौक है या इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है टाइम टू टाइम, तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पढ़ना फीका। बाय।